सो गाइस, सिंचन द मूवी मिस्टर मैकी के पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि जहाँ से वो जो वैम्पायर था जो खजामा के पीछे था वो गायब हो जाता है। एंड देन अगली सुबह होती है एंड अगला दिन वेंसडे था। एंड हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि जो ओत्सुमुन है वो उन सभी लोगों की पीटी की क्लास ले रही है एंड वो उन सभी लोगों को रनिंग करवा रही है। बट गाइस, रनिंग करते करते जो सिंचन है वो थक जाता है एंड इसीलिए वो एक रोलिंग कार्ट का सहारा लेता है जो कि साइड में ही ग्रासेस के ऊपर रोलर दौड़ा रही थी ताकि ग्रास पैटेड रहे एंड सुंदर लगे। एंड उसके बाद ओत्सुमुन कहती है कि ये डेंजरस हो सकता है, वो मशीन बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल है। एंड उसके बाद वहाँ पे जो खजामा है वो उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ को चढ़ जाता है एंड उससे उस मशीन का एक पार्ट टूट जाता है एंड इसकी वजह से वो जो मशीन होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है एंड वो तिनकासो एकेडमी के स्कूल के अंदर घुस जाती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान करती है। एंड इसीलिए जो ओत्सुमुन है वो दोनों के जो एलाइट पॉइंट्स है वो नीचे डिक्रीज कर देती है एंड खजामा के एलाइट पॉइंट्स 8 पे पहुंच जाते हैं 1500 से। एंड हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि उन सभी लोगों को बाहर से लंच लेना पड़ता है एंड फिर हम सभी लोगों को वापस से रात दिखाई जाती है जहाँ पे जो खजामा है वो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है अपने हॉस्टल के रूम के अंदर एंड वो सभी लोग वहाँ पे स्टिल पिलो फाइट खेल रहे थे। एंड देन उसके बाद खजामा कहता है तुम लोग पढ़ाई क्यों नहीं करते, तुम लोगों के लाइट पॉइंट्स बढ़ेंगे जिससे कि तुम यहाँ पे एनरोल कर पाओगे। एंड देन उसके बाद सिंचन कहता है कि मैं यहाँ पे रह के थक एंड मेरे को जल्द से जल्द घर जाना है। एंड देन उसके बाद जो सिंचन होता है वो अपने चौकोबी वाले स्नैक्स खाने लग जाता है एंड खजामा उसे ऐसा करने से मना करता है, यहाँ पे चौकोबी वाले स्नैक्स नहीं लाने थे। एंड ऐसे ही करते करते उन दोनों की लड़ाई हो जाती है जिससे कि सारे के सारे चौकोबी के स्नैक्स उसी कमरे में जाके बिखर जाते हैं एंड इसीलिए जो खजामा के जो एलाइट पॉइंट्स हैं वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं। उसने कुछ कैसे थे कर करके जो एलाइट पॉइंट्स हैं वो 500 तक पहुँचाए थे, उसके वापस से वो 32 पे आ जाते हैं एंड इसी वजह से उन दोनों की बहुत ज़्यादा तगड़ी लड़ाई हो जाती है एंड उन दोनों की दोस्ती टूट जाती है। एंड जब वो लोग रात को सो रहे थे तो फिर खजामा अपने रूम से बाहर निकल कर ओत्सुमुन से बात करने लग जाता है और वो उससे कहता है कि मेरे को एक एलाइट बनना है एंड प्लीज़ जैसा तुमने मेरे को पहले कहा था कि एक साइड वे है, मेरे को उस साइड वे के बारे में जानना है। एंड देन उसके बाद ओत्सुमुन उसे कहती है कि मेरा पीछा करो एंड देन वो उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। एंड तभी हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि सभी लोगों को रूम में पता चल जाता है कि खजामा वहाँ पे नहीं है एंड हमें खजामा की साइड पर दिखाया जाता है कि ओत्सुमुन खजामा को उस क्लॉक टावर में लेके जाती है जिसके बारे में उनके ग्रुप लीडर ने बहुत ज़्यादा वार्निंग दी थी एंड उसके पीछे वहाँ पे वही बट सकिंग वैम्पायर पड़ जाता है एंड वो अपने आप को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है बट वो उससे हार जाता है एंड वो एट द एंड उसे बाइट कर लेता है। एंड देन हमें तभी दिखाया जाता है कि उस क्लॉक टावर में से एक बहुत जोर की टंग की आवाज़ आती है जिससे कि वो सभी लोग उसी क्लॉक टावर की तरफ को बढ़ने लग जाते हैं। एंड हमें दिखाया जाता है कि जो खजामा है वो वहीं पर बहुत ही ज़्यादा पसीने में पड़ा हुआ है एंड वो सभी लोग वहाँ पर पीछे से पहुँच जाते हैं एंड उन सभी लोगों को खजामा वहीं पर दिखाई दे जाता है एंड खजामा के बट पे बहुत ज़्यादा बाइटिंग के गहरे गहरे घाव आ जाते हैं। एंड हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग उसे उस कम जो पूरा का पूरा तिनकासो अकेडमी था उसके अंदर जो मेडिकल रूम था वहाँ पे उसे सुला देते हैं एंड वो पूरी रात उसके जगने का वेट करते हैं बट वो जगता ही नहीं है। एंड जो नैनी होती है वो सोचती है कि कहीं खजामा कुन डेड तो नहीं है एंड उसके बाद तभी खजामा कुन उठने लग जाता है बट जैसे ही वो उठता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी पागलों की तरह हरकतें करने लग जाता है, वो इधर उधर कूदने लग जाता है, सभी को अजीब अजीब तरीके से देखने लग जाता है एंड अजीब तरीके से बातें करने लग जाता है जैसे कि सिंचन का एक और भी ज़्यादा एक्सट्रीम पागल वर्जन हो। एंड उसके बाद वो उन सभी लोगों के नाम लेता है एंड वो गलती से सिंचन को सिंचन बोल देता है जबकि खजामा एक्चुअली में सिंचन को सिनोस्के बुलाता है। एंड उसके बाद जो सिंचन होता है वो कहता है कि कहीं तुम कोई फेक तो नहीं हो क्योंकि खजामा मेरे को सिनोस्के बुलाता है। एंड देन उन लोगों के ग्रुप लीडर को दिखाई देते हैं वो बट के ऊपर उसके मार्क्स जिससे कि वो पहचान जाती है कि ये उसी डीमन का काम है यानी कि उसी वैम्पायर का। एंड देन वो ये सारी की सारी कहानी प्रिंसिपल को सुनाते हैं एंड प्रिंसिपल इस बात को पूरी तरीके से डिनाई कर देता है कि उनके स्कूल में कोई वैम्पायर भी है क्योंकि ये बात ऑलरेडी ओत्सुमुन फिक्स कर चुकी है कि यहाँ पे कोई भी वैम्पायर नहीं है। एंड देन उसके बाद उनकी ग्रुप लीडर कहती है कि मैंने उस वैम्पायर को अपनी आंखों से देखा है, एक दिन मैं उस ब्रोकन क्लॉक टावर के पास में से जा रही थी एंड तभी मेरे को उस के नीचे एक पेड़ के सामने एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ दिखी जिसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा लाल लाल रंग में चमक रही थी। जैसे ही मैंने उसको देखा मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई
जितना मेरे को दिखाई दिया उसके हिसाब से उसके बहुत बड़े बड़े नेल थे एंड बहुत बड़े बड़े कान थे एंड उसने कुछ पर्पल रंग का सा क्लोक पहन रखा था। वो उसे देखते ही भागने लग रही थी एंड वो ये भी कहती है कि वैसे तो उस टाइम पे रात हो रही थी इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को देख नहीं पाई, पर मैं इतना श्योर हूँ कि वो कुछ ना कुछ वैम्पायर जैसा ही था। एंड देन उसके बाद वो कहती है कि अगले ही दिन सुपर एलाइट्स का मेंबर सुजुकी किन बिल्कुल कजामा की तरह ही एक फूल की तरह हम सभी लोगों को देखने को मिला था एंड उसकी हरकतें भी बहुत ज़्यादा कजामा से मिल रही थी। एंड गाइस यहीं पे सिंजन मिस्टर मैकी का पार्ट 6 एंड हो जाता है।